बहुत पहले की बात है, कुंतल राज्य का शासक था राजा रविवर्मा। उसके शासन में सब लोग बहुत खुश थे। रविवर्मा का एक बेटा था प्रशांत वर्मा। उस देश के एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति एक ठेले में चाय पराठा बेचता था। जो लोग उसके ठेले के पास आते उससे चाय और पराठा लेकर पराठे को चाय में डुबोकर खाते थे। उसका बेटा था विश्वास। विश्वास को पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद का शौक था। इस बात को जानकर उसका बेटा उसे एक गुरुकुल पाठशाला ले गया। वहाँ विक्रम सिन्हा नाम का गुरु बच्चों को युद्ध कौशलता के साथ साथ सामाजिक ज्ञान का भी पाठ पढ़ाते थे। जब वो गरीब व्यक्ति वहाँ गया तब उसी समय रवि वर्मा भी अपने बेटे प्रशांत वर्मा को वहाँ भर्ती करा रहा था। महाराज के जाने के बाद वो गरीब आदमी, गुरुवर मेरा बेटा युद्ध में निपुण होना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो राजा के सेना में सैनिक बने, कृपा करके आप अपनी पाठशाला में इसे ले लें। विक्रम सिम्हा मान गया। उस दिन से वे बच्चों को तैराकी, दौड़, तलवार चलाना, डंडा घुमाना, यूं हर विद्या का ट्रेनिंग देने लगा। पर उन्होंने देखा कि हर विद्या में विश्वास प्रशांत वर्मा से आगे था। ये जानते हुए कि प्रशांत वर्मा भावी राजा है, विश्वास उसके साथ बड़े अदब से बात करता था, लेकिन प्रशांत वर्मा मन ही मन विश्वास से जलता था। एक बार जंगल में एक रीछ ने बच्चों पर हमला किया, सब बच्चे वहां से भाग गए। और वो रीछ प्रशांत वर्मा पर हमला करने लगा। तब विश्वास ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस रीछ पर हमला बोला। रीछ विश्वास को घायल करके वहां से भाग गया। 4 दिन तक विश्वास खाट पे पड़ा अपने जान के लिए जूझ रहा था। फिर वो उठा। विक्रम वर्मा, बेटे तुमने इतनी हिम्मत क्यों की? तुमने अपनी जान को दांव पर रखा और प्रशांत वर्मा की जान बचाई। तब विश्वास, गुरुजी ये भावी महाराज है, इनकी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है, मैंने इसीलिए ऐसे किया गुरुजी। ये बात सुनकर विक्रम वर्मा ने विश्वास का पीठ थपथपाया। कई साल बीत गए, वे दोनों बड़े हुए। एक दिन विक्रम सिन्हा ने तीरंदाजी का मुकाबला रखा। मुकाबला ये था कि एक पेड़ पर लटके हुए एक फूलों के हार को तीर चलाकर सामने रखे हुए एक देवी के मूर्ति पर डालना होगा, लेकिन एक भी फूल माला से गिरनी नहीं चाहिए। ये था मुकाबला। पहले प्रशांत वर्मा ने धनुष साधा और तीर चलाया। उसके बाण ने फूलों के हार को ले जाकर देवी के गले में डाला। एक भी फूल नीचे नहीं गिरा। अब विश्वास की बारी थी। उसके तीर ने भी फूलों के हार को माता के गले में डाला, लेकिन कुछ फूल जमीन पर गिर गए। तब प्रशांत वर्मा गर्व के साथ, देखा विश्वास, मैं ही जीता, अब दोबारा मेरे साथ मुकाबला न करना, कहकर गर्व के साथ वहाँ से चला गया। तब विक्रम सिम्हा, बेटा विश्वास मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर हारे हो, पर ऐसा तुमने क्यों किया? तब विश्वास, गुरुजी अगर तीर चलाने में मैं जीत जाता तो भावी महाराज का आत्मविश्वास को ठेस पहुँचता और भावी महाराज के लिए ये सही नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। गुरुजी ने फिर से उसकी पीठ थप भाई। उस दिन से प्रशांत वर्मा तीरंदाजी में हार जाने के कारण सबके सामने विश्वास का अपमान करता। ये देखकर विक्रम सिम्हा बहुत दुखी होता था। एक दिन विक्रम सिम्हा, बेटे मेरे सब शिष्यों में तुम मेरे प्यारे हो, इसीलिए मैं तुम्हें तलवार चलाने का एक खास पैंतरा सिखाता हूँ। तब विश्वास, गुरुजी आप ये पैंतरा प्रशांत वर्मा को सिखाएं, क्योंकि मुझसे ज्यादा उन्हें शत्रुओं से खतरा है, ये पैंतरा उनके बहुत काम आएगा। तब विक्रम सिम्हा, शाबाश, प्रशांत वर्मा भाग्यशाली है जो उसे तुम जैसा मित्र मिला है। यूं उसकी प्रशंसा करने लगा। विद्यापूर्ति के आखिरी दिन सब विद्यार्थियों के माँ बाप वहाँ पहुँचे। तलवार चलाने के मुकाबले में प्रशांत वर्मा और विश्वास एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे थे। सब बहुत आतुर होकर देख रहे थे। अंत में विश्वास की प्रशांत वर्मा पर जीत हुई।
तभी महाराज, शाबाश विश्वास, तुमने मेरे सामने ही होने वाले महाराज को हराया है, मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ। तब विक्रम सिम्हा, महाराज इससे पहले भी बहुत सारे मुकाबलों में विश्वास प्रशांत वर्मा से जानबूझकर हारा है, लेकिन इस बार इसने ऐसा नहीं किया, मैं जानता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर महाराज के समझ में कुछ नहीं आया, वो हैरान होकर देखने लगे। तब विक्रम सिम्हा, हाँ महाराज, हर मुकाबले में विश्वास प्रशांत वर्मा से आगे है, लेकिन ये सोचकर कि अगर वो जीत गया तो प्रशांत वर्मा के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगा, वो हारता आया है, लेकिन इससे प्रशांत वर्मा का अहंकार बढ़ा है। प्रशांत वर्मा ये भूल गया कि विश्वास ने उसको रीच से बचाया था और वो सबके सामने विश्वास का अपमान करने लगा। राजा को अहंकारी नहीं होना चाहिए, ये राज्य के हित में नहीं है। यही सोचकर उसके अहंकार को तोड़ने के लिए विश्वास ने सबके सामने आज प्रशांत वर्मा को हराया है। ये सुनकर प्रशांत वर्मा समझ गया कि उससे कैसी गलती हुई है। सिर झुकाकर खड़े विश्वास के पीठ को थपथपाते हुए, महाराज, विश्वास मैं तुम्हारे गुण से प्रभावित हूँ, आज से तुम प्रशांत वर्मा के अंग रक्षक के रूप में हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। ये सुनकर विश्वास ने प्रणाम किया। बाद में दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया। लिंगापुर नाम के गांव में साहू नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसकी पत्नी और दो बच्चे थे, नाम थे पप्पू और लल्ली। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे। साहू अपने खेत में मेहनत करके फसल उगाता था, लेकिन वो जब उन्हें बेचता था तो ठीक से पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए हमेशा परेशान रहता था। एक बार बारिश नहीं होने से वो जगह पूरी तरह से सूख गया था। भूमि सूख गई, तालाब कुएं सब सूख गए थे और फसल भी नहीं उग पाया। साहू भी बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसका खेत भी पूरी तरह सूख गया था। मजदूरी काम करने की कोशिश किया तो वहाँ भी उसे कोई काम नहीं मिला। इससे साहू, हे भगवान, ये क्या परेशानी है, अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, कुछ भी करके मेरे परिवार का पेट तो भरना ही होगा, यूं सोचा। ऐसे वो बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर, आखिरकार मंदिर के सामने भी भीख मांगना शुरू किया। बाबूजी थोड़ा दान दीजिए, बाबूजी आपको पुण्य मिलेगा, माँ जी थोड़ा दान दीजिए माँ जी, यूं कहा। एक दिन स्कूल के पास पप्पू लली खेल रहे थे तो एक लड़का पप्पू से लड़ाई करने आ गया। पप्पू, दोस्त ऐसे मत करो ना, खेल रहे हैं तो हार जीत तो होती रहती है, इसके लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो, आज मैं जीता तो कल तुम भी जीत सकते हो, यूं कहा। तब वो, अब्बो क्या बातें सुना रहा है ना, भिखारी का बेटा अब हमें सबक सिखाएगा। कहते ही पप्पू गुस्से में उसका कॉलर पकड़ कर, क्या बात कर रहे हो, मेरे पिता किसान हैं, उन्हें भिखारी कह रहे हो, यूं कहा। वो हाथ हटाकर, भीख मांगने वाले को भिखारी बोलते हैं, क्या यकीन नहीं होता, तो जाकर मंदिर के पास देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा, यूं कहा। तब लली पप्पू मंदिर के पास आकर देखे तो साहू वहाँ भीख मांग रहा था। बाबूजी थोड़ा दान दीजिए, बाबूजी माँ जी थोड़ा भीख दीजिए माँ जी, आपको पुण्य मिलेगा माँ जी, वो देखकर बच्चों के आंखों में आंसू आ गए। पप्पू, पिताजी हमारे लिए भीख मांग रहे तो देख नहीं पा रहा हूँ, हम घर वालों पर भार है, ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है, यूं कहा। तब लल्ली, हाँ भैया हम नहीं रहे तो बेचारे माँ पापा को थोड़ा तो सुकून मिलेगा ना, भार कम हो जाएगा, हम कहीं चले जाते और बड़े होने के बाद वापस आ जाएंगे भैया, यूं बोली। वो ठीक है कहा। इस तरह वे दोनों गांव छोड़कर जा रहे थे। एक जंगल में आते ही दो लिलीपुट एक बड़े मशरूम को ढकेलते हुए भाग रहे थे। उनके पीछे एक बड़ा सा चूहा भाग रहा था। लिलीपुट, बचाओ बचाओ, यूं पुकार रहे थे। तुरंत दोनों बच्चे उस चूहे को डराकर दूर कर दिए। लिलीपुट, धन्यवाद बच्चे, ठीक समय पर आकर हमारी जान बचाए, यूं बोले। पप्पू, कौन हो तुम लोग, वो चूहा क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा था, यूं कहा। तब एक लिलीपुट, हम एक लिलीपुट देश से आए हैं, हमारा देश में मशरूम अच्छे से उगते हैं, ये बड़ा चूहे हमेशा हमारा मशरूम पर हमला करके नाश कर देते हैं, अभी भी वो इस मशरूम के वजह से ही हमारा पीछा पड़ा है, यूं कहा। तब लल्ली, आपके देश में इतने मशरूम उगते हैं, वाह बहुत अजीब बात है ये तो, यूं बोली। लिलीपुट, हाँ बच्ची
हमारे देश में जो मशरूम उगता है वो बहुत अच्छा होता है। 1 से 1000 पेड़ उग जाते हैं। उन्हें बारिश पानी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी मौसम हो वे उगते ही रहते हैं। चाहो तो तुम इनको ले जाकर उगाओ, ये हम आपको बहुमान के रूप में दे रहे हैं। कहकर अपने मशरूम को उन्हें देकर वे चले गए। बच्चे वो लेकर आए और दोनों बच्चे घर आकर माता पिता को जो हुआ वो बताए। ऐसे साहू बच्चे मिलकर वो मशरूम को अपने खेत में बो दिए। थोड़े दिनों में ही वो मशरूम से पूरा खेत भर गया था। वो देखकर घर पर सब बहुत खुश हुए। उन्हें तोड़कर बाजार में बेचकर वे लोग पैसे कमाए। इस तरह वे अपने खेत में मशरूम फार्मिंग करके खुशी से रहने लगे।